स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास चार सेट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कॉमन वैल्यू, तो दोनों में कॉमन क्या है। अब ए में क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, और इसमें क्या है, 7, 9, 11। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 7, 9, 11। तो पहला आंसर हमारे पास 7, 9, 11। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है हमारे पास B इंटरसेक्शन C, और B और C में क्या कॉमन है, 7, 9, 11, 13, और यहां क्या है हमारे पास, 11, 13 और 15। तो हमारे पास कॉमन क्या है, 11 और 13। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है हमारे पास A इंटरसेक्शन C और इंटरसेक्शन D। तो हमारे पास तीन आ गए, तो तीन में से हम क्या करेंगे, पहले दो को सॉल्व कर लेंगे, A और C को इंटरसेक्शन कर लेते हैं, ए ये रहा और सी ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, 11। अब इसके इंटरसेक्शन डी के साथ कर लेते हैं, डी में क्या है, 15 और 17। अब दोनों में तो कोई कॉमन है नहीं, तो आंसर क्या होगा, 5, यानी एमपीटी सेट। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी। फोर्थ पार्ट अभी हमने सॉल्व किया, ए इंटरसेक्शन सी दोनों में क्या कॉमन है, 11। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ पार्ट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन डी। अब देखो बी और डी में क्या कॉमन है, ये बी रहा और ये डी रहा, बी और डी में 7, 9, 11, 13, 15, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, 5। जहां 5 लिख सकते हो, जहां सेट एमपीटी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन में है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो जो पहले ब्रैकेट में है, पहले उसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ए सेट लिख लेते हैं, ए सेट है हमारे पास 3, 5, 7, 9 और 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी के यूनियन, बी में और यूनियन में क्या है, सारे सेट आ जाते हैं, तो 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों में कॉमन देखो कौन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 है, तो 6th का आंसर क्या आ जाएगा, 7, 9 और 11। ये हमारा 6th का आंसर है। ठीक है, तो 6 के बाद चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है ए इंटरसेक्शन डी। अब ए और डी में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन डी, ए रहा 3, 5, 7, 9, 11, डी में है 15। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 5, यानी एमपीटी। ठीक है, चलते हैं 8th पार्ट पर। 8th पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब जब भी ब्रैकेट वाला आ जाए, तो पहले कौन सा सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाला, पहले ए लिख लेते हैं, ए हमारे पास क्या गिवन है, 3, 5, 7, 9, 11, तो ए हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और डी की यूनियन 7, 9, 11, 13, 15 और 17, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब इन दोनों में कॉमन, फिर वही कॉमन आ रहा है, 7, 9, 11, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7, 9 और 11। ठीक है, तो चलते हैं, ये था हमारे पास 7th पार्ट। ठीक है, ये 8th पार्ट था, 7 नहीं, ये 8th पार्ट था। अब चलते हैं 9th पार्ट पर। 9th पार्ट में इन्होंने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, 7, 9, 11, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 7, 9, 11। बी यूनियन सी, बी और सी में यूनियन क्या है, बी ये रहा और सी ये रहा, इन दोनों में यूनियन है, यानी दोनों के सभी एलिमेंट लिख देने, 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 7, 9, 11, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7, 9, 11। तो लास्ट पार्ट, 10th पार्ट, 10th पार्ट है हमारे पास ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
ठीक है, पहले ए और डी का यूनियन करना है, फिर बी और सी का यूनियन करना है, फिर दोनों की कॉमन वैल्यू, ए यूनियन डी। अब ए है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 और डी है 15, 17। तो दोनों को लिए जो कॉमन आ रहा है सिर्फ वही वैल्यू लिखनी है हमने, यानी यूनियन में यहाँ 17 एक्स्ट्रा लिख दिया था जो नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर है 7, 9, 11, 15। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इवन नेचुरल। हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3 अप टू सोन। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6 अप टू सोन। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो 1, 3, 5 अप टू सोन। एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5 अप टू सोन। हमारे पास ये चार दिए हुए हैं सेट, और हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन में। अब ए और बी में कॉमन वैल्यू, अब देखो ए है हमारे पास नेचुरल नंबर, ठीक है, ए नेचुरल नंबर है, बी है इवन नेचुरल नंबर, तो बी ए से छोटा हुआ और बी के सभी एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा बी, यानी ए और बी में कॉमन क्या होगा, बी। अब फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन सी, ए फिर नेचुरल नंबर है, बी है ऑड नेचुरल नंबर, तो सॉरी सी ऑड नेचुरल नंबर, तो सी भी तो ए में आएगा, तो सी छोटा है ए से, तो आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन डी, ए है नेचुरल नंबर और डी है प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं, यस आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इसी तरह इन्होंने फोर्थ पार्ट पूछा है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 7th का फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी है इवन नेचुरल नंबर और सी है ऑड, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में है हमारे पास बी इंटरसेक्शन डी, अब बी और डी में कॉमन, बी इंटरसेक्शन डी, बी है इवन नेचुरल नंबर और डी है प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, तो आंसर क्या आएगा, 2। दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही नंबर है, 2। ठीक है, तो लास्ट पार्ट 7th क्वेश्चन का, सी इंटरसेक्शन डी, अब सी और डी में कॉमन क्या है, सी और डी में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट कॉमन ही है, ये ऑड नेचुरल नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये ऑड नेचुरल नंबर है और ये क्या, प्राइम नंबर, तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है जो ऑड नहीं होता, बाकी सभी हमारे पास क्या है, ऑड प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक 2 है जो इवन प्राइम है, बाकी सब ऑड प्राइम होते हैं, तो हमारा आंसर यह होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, कौन से सेट हमारे पास डिसजॉइंट है, ये हमारे पास 1, 2, 3, 4। पहले तो डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी इंटरसेक्शन ना निकले, उसे डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, और ये हमारे पास है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन 6, यानी हमारे पास क्या है, 4, 5। ठीक है, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, 4 लेस देन इक्वल है, तो 4, 5, 6। अब देखो इन दोनों में 4 कॉमन तो आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो हम लिख देंगे द पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट, दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि ये इसमें कॉमन आ रहा है 4। इसी तरह सेकंड पार्ट, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है, तो ये भी क्या है, नॉट डिसजॉइंट, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखो, इसमें ये है डिसजॉइंट, ये इवन नेचुरल नंबर है, ये ऑड नेचुरल ऑड इंटीजर है, इनमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो ये यस दिस इज डिसजॉइंट। तो हमारे 7, 6, 7, 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।